आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज के 1000 से अधिक पायलटों ने वेतन नहीं मिलने और कंपनी के पुनरुद्धार की योजना स्पष्ट नहीं होने के कारण 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरने का निर्णय लिया है। जेट एयरवेज के कर्मचारियों के एक संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने वेतन का भुगतान नहीं होने और 31 मार्च तक कंपनी की नई पॉलिसी स्पष्ट नहीं होने पर 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरने की चेतावनी पहले दी थी। यह संस्था करीब 1100 पायलटों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके कुछ ही दिन बाद कंपनी का नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह के पास गया है। गिल्ड ने शुक्रवार को बैंकों से कंपनी का पैसा नहीं मिल पाने के बाद यह घोषणा की। गिल्ड के अध्यक्ष करण चोपड़ा ने सदस्यों को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक से मिलने वाली पहली किश्त 29 मार्च तक आने वाली थी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राशि अभी तक उन्हें नहीं मिल सकी और प्रबंधन की ओर से वेतन भुगतान को लेकर कोई जानकारी भी नहीं दी गई। पायलटों ने मुंबई और दिल्ली में सामूहिक तौर पर उड़ान नहीं भरने का निर्णय लिया, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। जेट एयरवेज के पायलटों समेत इंजीनियरों और प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को करीब 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके बाद सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से यह फैसला लिया। रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।